कि मैं इस रिलेशनशिप में एंटर कर रही हूं या कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत हंसाता है। ये होती है ना लड़कियों की प्रॉब्लम, हाँ समझ पा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको छोटी लग रही है। मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों? क्योंकि ये मुझे बहुत हंसाता है। मुझे बंदा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि दिखने में बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि इसका नेचर बड़ा अच्छा है। ये तीनों ही चीजें चली गई, अब आप क्या करोगे? चार साल बाद अब ना तो दिखने में अच्छा है, महाभद्दा है, पेट उसका 11 महीने का निकला हुआ है, हंसाना तो दूर की बात है, उसके खुद के चेहरे पे हंसी नहीं, आपको क्या हंसाएगा? लाइफ में इतना प्रेशर आ गया उसके ऊपर, जॉब का, इसका, उसका, आपको हंसाना तो दूर की बात है, उसको खुद हंसना ही नहीं आता है, अब क्या करोगे जी? उसके साथ में मैं बैठती हूं तो मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ में पूरी जिंदगी। और अब वो बंदा ऐसा हो गया है कि आप क्या, कोई भी उसके पास में बैठेगा उसका मूड खराब हो जाएगा, इतना थका हुआ हो गया वो आदमी। अब आप क्या करोगे? अब आप परेशान हो जाओगे, अब ना उस बंदे के साथ रह सकते हो, ना छोड़ सकते हो, अब आप क्या ढूंढोगे? एस्केप्स ढूंढोगे। मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ में बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ में रहूंगी, और ये बंदा आकर के आपको बोलेगा नहीं, अपनी फ्रेंड्स के पास में मत जाओ, और लड़ाई झगड़े पिस गए ना बीच में आकर के। अब उसने क्या किया, ऐसी लड़की ने क्या किया, पति से तो एक्सपेक्टेशंस थी शादी से पहले कि ये कुछ होने वाला है, चार साल ऐसा कुछ नहीं नजर आया, तो घर वालों ने आकर के सलाह दी, बच्चा कर लो। हर प्रॉब्लम का बड़े बुजुर्गों के पास में एक ही सोल्यूशन है, बच्चा कर लो। बेटे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो रहे, बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपने कहा चलो यार, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जो लोगों की समझ होगी, हो गया। अब आप अपने पति से तो हटे खुशी के लिए, क्योंकि आपको समझ आ गया वो बंदा कंगाल है, वहां से खुशी नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो बच्चा भी हो गया बुजुर्गों की सलाह की वजह से, पहले फिर भी अलग हो जाती, तो अब अलग तो नहीं हो सकती। लेकिन मेरा बच्चा, ओए मेरा प्यार, अब आप अपनी खुशी को कहां ढूंढ रहे हो? बच्चे में ढूंढ रहे हो। अब अगर ये बच्चा, जब तक बच्चा रहेगा, यानी कि जब तक वो आपके हिसाब से चलेगा, जब मन करा उसके कपड़े उतार दिए, जब मन करा पहना दिए, जब मन करा उसको टांग पकड़ के उल्टा कर दिया, नहला दिया, पानी ठंडा भी डाल दिया, बेचारा कुछ नहीं कह रहा, मतलब पूरी तरह से आपके हिसाब से चल रहा है ये, वो ऑब्जेक्ट जो आपको खुशी दे रहा है, मतलब वो आपके लिए टॉय के जैसा है, तब तक आप उस बच्चे से चिपके पड़े हो। ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने हिसाब से चलने लगा, मम्मा तुम चुप ही रहो, फालतू बातें मत करो मेरे साथ, क्या होगा? ऐसी माँ का क्या होगा? वही सब जो आपके घर में हो रहा है, इमोशनल अत्याचार। मैंने बेटा तेरे लिए इतना किया, बात बात पर रोती है माए, हिंदुस्तानी माए, ये सच है झूठ है? मतलब उनके पास पता नहीं इतना स्टॉक आता कहां से आंसू होगा, समझ गए ना क्या हो रहा है? पहले खुशी ढूंढी पति में, समझ आया वहां से नहीं मिलने वाली, फिर खुशी ढूंढी बच्चों में, फिर समझ आया कुछ टाइम बाद यहां से भी नहीं, अब क्या करें, अब कंगाल हो, मैं तो अकेली हूं, मेरा तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। ये बड़े कॉमन डायलॉग्स हैं, ये तो सुने होंगे आपने, तेरी वजह से तेरे पापा को झेल रही हूं इतने सालों से, नहीं तो हम तो कब के अलग हो गए होते, तो तू हो गई थी और तू भी मेरे साथ ऐसे बोल, तू भी मेरी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा, तुझे पता है मैं कितनी हर्ट हो जाती हूँ, पता है मेरा दिल कितना दुखता है, क्या हो रहा है ये सब, क्या नौटंकी चल रही है? मैं क्या कह रहा हूं, आपको प्यार बनना है, प्यार मांगना नहीं है, यू हैव टू बी लव। व्हाट इज लव? Somebody who is filled with happiness, that is love, that is the essence of love. और क्या है? मतलब जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है हमारे अंदर से पूरी तरह से निकल जाए, अकेले में भी आपको उतना ही मजा आए जितना आपको किसी के साथ में आ रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अकेले होने से डर क्यों लगता है, इस लोनलीनेस से डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हो इतने सारे थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, और ज्यादातर वो थॉट्स नेगेटिव होते हैं, यही प्रॉब्लम है। बट अगर आप अकेले में बैठे हो और अंदर जो थॉट्स आ रहे हो कमाल के, वो ऐसे हैं कि आपका नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट हो रहा है, मजा आ रहा है, मतलब उन थॉट्स की वजह से अंदर ही अंदर हंसी आ रही है, तो क्या होगा? आपको खुद के साथ में मजा आएगा, अकेले होने का डर निकल गया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अपने अंदर ही है। दुनिया क्या कर रही है? बाहर चीजों को इकट्ठा कर रही है, बाहर लोगों के साथ में जुड़ रही है, सब कुछ बाहर कर रही है और सोच रही है कि हमको खुशी मिलने वाली है, वहां मिल ही नहीं सकती जी, इम्पॉसिबल। कोई भी पर्सन ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है। तो बाहर आप किसी से भी जुड़ोगे तो वहां पर प्लस भी है, माइनस भी है। प्रॉब्लम क्या है? आपको माइनस नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस चाहिए, वो बाहर हो नहीं सकता।
बट अंदर की दुनिया ऐसी है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। अभी आप अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हो और कंप्लीट होने के लिए किसी के साथ में जुड़ते हो, आपको यह समझ आ जाए कि मुझे कंप्लीट होना नहीं है किसी के साथ में, आई एम कंप्लीट, मुझे खुश होना नहीं है किसी के साथ में, मैं खुश ही हूं, तो अब ये औरों के साथ नहीं जुड़ रहा है। समझ पा रहे हो फर्क? पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है। एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो तो अब आपका कंट्रोल उसके हाथ में आ गया, एक है पूरी दुनिया आपके साथ में जुड़ गई है आकर के, आपके आसपास में आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स ये सबको पता है कि खुशी का अड्डा है, अगर खुश होना है तो यहां पर जाओ, इस बंदे के साथ में जुड़े रहो। तो क्या हो, कैसी होगी आपकी लाइफ? इसका मतलब समझते हो? पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए क्या है? खुशी ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? खुद को ऐसा बनाना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं कि ऐसा कैसे हो। नंबर वन, अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज को इस दुनिया में इंपॉर्टेंस मत दो, उतनी ही दो जितनी है। मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो। हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ अपने बिलीव्स बना लेते हैं और वहां पर जाकर के फंसे पड़े होते हैं, उन बिलीव्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अंदर माइंड में ये पकड़ लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है, किसी और ने पकड़ लिया नॉन वेजिटेरियन होना ठीक है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी या प्यार मोहब्बत होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। और आपने क्या पकड़ा अपने माइंड में? आपने कुछ भी नहीं पकड़ा। आपने कहा भाई तुझे नॉन वेज होना है नॉन वेज हो जा, वेज होना है वेज हो जा, जिसको खाना है खा ले, बस मुझे मत खाइए मुझे छोड़ दियो। सिंपल हो गया। देखो क्या हुआ, एक सीरियस प्रॉब्लम एक सेकंड में खत्म हो गई। मतलब सीरियस से सीरियस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरियस है, सीरियस डिस्कशंस है, सीरियस लड़ाई झगड़े हैं, वो आपके लिए हंसी मजाक होना चाहिए। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बाकी की बाहर की दुनिया से पूरा अलग है, लेकिन यही तरीका है अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट करने का, और कोई तरीका नहीं है। अब मुझसे पूछोगे फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो अंदर की दुनिया को समझता नहीं है, वो क्या करेगा? वो स्टैंड ले लेगा लाइफ। स्टैंड लेने का मतलब क्या है? आपने पकड़ लिया एक अपने बिलीफ को, हाँ ये जो मेरा धर्म है यही सही है। अब क्या हुआ, आप बाकी सबके अगेंस्ट हो गए। आपको अगेंस्ट होने की जरूरत नहीं, हो गए। द मोमेंट यू टेक अ स्टैंड आप पूरी दुनिया से कट गए। इफ यू हैव नॉट टेकन एनी स्टैंड, हाँ सब कुछ सही है सब कुछ गलत है, अब बोलो जी क्या करोगे? समझ गए ना, बंधना नहीं है लाइफ। ये बहुत ही एक डीप बात है अगर आप पकड़ पाओ इस बात को। ये बात समझ आ रही है, हम कैसे पकड़ लेते हैं चीजें? ऐसा ही होना चाहिए, ये ही होना चाहिए, ये नजर है हल्की सी देखने की। अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो, हल्की सी चेंज कर दो, तो वो जो सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको सीरियस लग रही है अपनी लाइफ, बहुत सीरियस, जिसकी वजह से आप देवदास बनने के मूड में हो, वो भी आपको कॉमेडी लगने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हो गया और बहुत ज्यादा परेशान हो, ब्रेकअप हो गया, तो फिर अपने आप से बैठ करके पूछो अकेले में। मैं ये बता रहा हूँ आपको, अकेले की दुनिया में जिसको आप लोनलीनेस बोलते हो, वहां पर आप क्या करते हो जिसकी वजह से उस लोनलीनेस से आपको डर लगता है, और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें मजा आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हो गया, आप अकेले में बैठे, एक आप बैठ करके रो रहे हो कि वो चली गई, मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, व्हाटएवर इट इज, है ना, अब मैं क्या करूँ, मेरा मूड बहुत खराब है, अबे यार, अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, मैं बर्बाद हो गया यार, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा जिंदगी में, सारे फिलोसफर बन जाते हैं ब्रेकअप होते हैं, अरे सब बेकार है यार, कुछ नहीं पढ़ा, इधर चक्कर हो गया, तुम्हें तो पहले नहीं पता था क्यों पढ़ाई चक्कर हो गया। तो अब करना क्या चाहिए ऐसे में? आराम से बैठ करके लाइटली कैसे देखना है सिचुएशन को, यार जब मेरा अफेयर नहीं था तब मैं खुश था या दुखी था? बहुत खुश था। रिलेशनशिप में गया तो क्या हुआ? कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। बुरा ज्यादा होता है या अच्छा ज्यादा होता है? अगर आप अलग हुए तो इसका मतलब बुरा ज्यादा हो रहा था तभी अलग हुआ नहीं आई ये बात समझ में? आई है नहीं आई? अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं। तो मुझे खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए, बल्कि बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि नाउ आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्योंकि एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं, आम का एग्जांपल ठीक है, हाँ चल जाएगा चल जाएगा, मतलब गलत सोच वाले लोगों के लिए नहीं चलेगा, बट अच्छे जो लोग हैं उनके लिए चलेगा। नहीं, गलत एग्जांपल है, कोई और एग्जांपल लेता हूँ। जिसने
हाँ चलो ये ठीक है, जो बंदा कभी किसी जगह पर गया ही ना, तारीफ बड़ी सुनी है कि स्विट्जरलैंड ऐसा है वैसा है ये है वो है, समझ गए ना, इमेजिनेशन बन जाती है, मूवीज में भी सब स्विट्जरलैंड देखा है ये देखा, जो कभी गया ही ना हो तो उसके अंदर तो डिजायर रहेगा स्विट्जरलैंड जाने का, ये डिजायर क्या है, इसकी वजह से दुख होगा यार, बाकी सब चले गए मैं ही नहीं गया, बाकी सबका अफेयर हो गया मेरा ही नहीं हुआ, इसको ध्यान से समझ लेना, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब स्विट्जरलैंड जाने का डिजायर था अंदर से कहीं ना कहीं, तो अगर वो डिजायर रहता तो मजा नहीं आता लाइफ में, अब क्या हुआ आपने स्विट्जरलैंड जा करके देख लिया कि वहां पर कुछ नहीं पड़ा और अब आप वापस अपने घर पे आ गए, तो अब आप ज्यादा पीसफुल हो या पहले ज्यादा पीसफुल थे, अब तो ज्यादा होना चाहिए, चाहे एक्सपीरियंस कैसा भी रहा स्विट्जरलैंड में, बढ़िया रहा बेकार रहा वो एक अलग टॉपिक है, वहां पर आप गए थे कुछ अच्छा सोच करके, लेकिन जा करके देखा यहाँ पे कुछ खास नहीं है, शिमला भी ऐसा ही है, मसूरी भी ऐसा ही है, तो अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए आदमी औरत दोनों, तो कमाल का कुछ हो सकता है माइंड के अंदर, फिर बड़ा मजा आता है लाइफ में, आप किसी भी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को भी हंसी मजाक में उड़ा दो हल्के फुल्के तरीके से, आप क्या कर रहे हो अननेसेसरी मेमोरीज को नहीं पकड़ रहे, अच्छा हो गया बच गया मैं इस रिलेशनशिप से, नहीं तो जिंदगी भर मुझे स्विट्जरलैंड में ही रहना पड़ता, अब मैं और जगह भी जा सकता हूँ पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, इतनी कंट्रीज है वाई नॉट, फिर पूरा घूम करके पूरी दुनिया घूम करके फिर फाइनली डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ सेटल होना है, क्या पता फाइनली मैं ये डिसीजन लूँ शिमला ही बढ़िया है, मतलब किसी के साथ में जाना ही नहीं है, वाई नॉट, किसी से जुड़ना ही नहीं है, शादी करनी ही नहीं है, जबरदस्ती करनी है क्या, क्यों करनी है, किसी किताब में लिखा, इट्स नॉट मैंडेटरी, हो सकता है वाई नॉट, बट ये भी हो सकता है कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले, कोई ऐसी जगह मिले आपको, यार ये तो शिमला से बहुत बेटर है, ठीक है रहो,